वहीं बीजेपी ने झारखंड के सरकारी अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी के झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आरोप लगाया कि सरकारी अधिकारी एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। उन्होंने चेताया कि सरकारी अधिकारी एजेंट बनकर काम करना बंद करें और चुनाव को चुनाव की तरह संपन्न करवाएं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी चुनाव को लेकर आयोजित बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक कर चुनाव से संबंधित उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और विपक्ष पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि चोरी कर सीना जोरी करने वाले लोग बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। यहाँ पर कहा गया था कि बैनर नहीं लग सकता और झंडे नहीं लग सकते। मैंने तुरंत आपके राज्य निर्वाचन अधिकारी से बात करी, रवि साहब से। रवि साहब ने उनको कहा और डीसी का फोन आया, डीसी के बाद आ गया डीसी तक का फोन, और जो शर्तें लिख रखी थी वो आज विलोपित करनी पड़ी उनको। इसका मतलब है कि कुछ अधिकारी अभी भी चुनाव के दौर में राज्य सरकार के दबाव में आकर पवित्र राजनीतिक प्रक्रिया जो चुनाव की उसको पलीता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए चंद्रशेखर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए चंद्रशेखर, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और इसी बीच बीजेपी ने झारखंड के सरकारी अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर सी बात है कि लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में जो पार्टियां हैं, तमाम पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपने अपने झंडे बैनर के साथ अपने नेताओं के प्रचार प्रसार में लगे रहती है। इसी दौरान आज बीजेपी ने भी एक जिला समिति के मंडल कार्यालय की बैठक की है। बैठक के दौरान जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, प्रदेश के प्रभारी हैं लोकसभा के, उन्होंने भी आज अपने कार्यालय बैठक के दौरान आया और बैठक के दौरान माजीपुर में कहा कि हमारा जेंडर का पार्टी और बैनर का पार्टी का बैनर और झंडा नहीं लगा हुआ है। उसने अपने कार्यकर्ताओं को बात सुनाई कि ये क्या बात है कि इसमें झंडा बैनर की पार्टी का लगा हुआ नहीं है। तो उन्होंने कहा था चुनाव संहिता का जो बात है उनके द्वारा ही यह आदेश है कि किसी को भी झंडा पार्टी का बैनर नहीं लगाना है। इसी दौरान उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को खड़ी खोटी सुनाई और कहा कि मैं कहता हूँ ये अगर ऐसा अचूक बात है तो चुनाव आयोग से मैं बात करता हूँ। बात करने के बाद उन्होंने आदेश पारित करा है। बाधित पत्र रविशंकर जो है उनसे बात हुई, उनसे बात होने के बाद जो है कि उन्होंने आदेश किया, उसके बाद जिले के उपायुक्त जो है वहाँ के उन्होंने आदेश दिया है कि झंडा बैनर लगा सकते हैं। अपने बैठक के दौरान उन्होंने जो है कि उन्होंने अपना पार्टी के बैनर पोस्टर लगाया और झंडा बैनर भी लगाया। इसी दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को ऊपर बातें कही और बोली कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी खर्चा होगा मैं देने को पर्याप्त हूँ। बिल्कुल चंद्रशेखर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।